सदी के अंत होते होते दो तिहाई ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। लद्दाख और हिमालय में जो संवेदनशील जलवायु है उसका संरक्षण हो, लद्दाख को जो भी अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड होगा वो लद्दाख को दिया जाएगा। हालत खराब हो रही है। सोनम वांगचुक 5 दिन से अनशन पर बैठे। नमस्कार, सलाम। उसके पीछे कुछ मांगे हैं। कुछ लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। देखिए, अभी हमारे आगे गाड़ी खड़ी थी, उसमें से एक जवान निकल रहा है। सिक्स शेड्यूल से ये फायदा है कि हमारा लैंड, जॉब, एनवायरनमेंट, उसका मैनेजमेंट हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से छठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। लद्दाख में 95% जनजाति आबादी। हमारा 2010 से बिल्कुल पानी खत्म हो गया, तब हम ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। जो ग्लेशियर का पानी गर्मियों में नीचे नहीं पहुंच पाता, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर आप डेवलप करो। बिना किसी मशीन के एक फव्वारा चलता है। हमें उम्मीद है कि इसे थोड़ा सा हमारा जो पानी का स्कर्सिटी होगा वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। पहले तो हम छोटा के टाइम पर तो बकरा, भेड़ू, गाय, बैल बहुत आता था। अभी उन लोगों को खिलाने के लिए जब पानी नहीं आएगा तो हमारा खेती सूख गया, तो उनको भी खिलाने के लिए कुछ नहीं रहा। ये एक नदी हुआ करती थी, इसमें पर्याप्त पानी बहता था, जिससे इस गांव को पर्याप्त पानी उनकी खेती बाड़ी के लिए, पीने के लिए, अपने जानवरों के लिए, हर जरूरत के लिए पानी मिलता था। हमारा 2010 से बिल्कुल पानी खत्म हो गया है, तब हम ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। एक टाइम पे हमको पानी नहीं आता है, जुलाई अगस्त में बहुत पानी आता है, वो पानी से हमको कोई काम नहीं देता है। उस पानी आते के बाद में हम खेती लगाएगा तो खेती पकता नहीं। यहाँ लद्दाख में ठंडी का मौसम है, 4-5 महीने में वो सिंचन होता है, उसकी बस सिंचन खत्म हो जाता है तो वो पक नहीं सकते, आधा हो जाता है तो फिर जमना शुरू हो जाता है, फिर हमारा जो बीज भी घटे में चला जाता है, निकलता नहीं, इसीलिए हम ये छोड़ के उधर चला गए। यहाँ मटर होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है, सब कुछ होता है, सरसों होता है। पहले तो हम लोग छोटा के टाइम पर कोई काम, ये मजदूरी मिल जाता भी नहीं, मिलता भी नहीं, अपना इधर से निकाल देते हैं सब कुछ, खाने पीने के लिए, गाय के लिए, आदमी के लिए, भगवान के लिए, सब कुछ इधर ही निकल जाते हैं। अभी कुछ है नहीं हमारे पास, हम नंगा हो गए इसलिए चले गए, मजबूर हो गए। जो हमारा इधर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ है, स्कूल दूर है, हम छोटा के टाइम पर गाड़ी नहीं होता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो हम गवर्नमेंट से कुछ मांगने के लिए जान वो भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, आपको पता भी नहीं, पता भी नहीं गवर्नमेंट से क्या मांगना है, क्या वो क्या देगा, हमको पता भी नहीं चला। नहीं तो पहले इधर धूप में बैठा था हम लोग, छोटा के वाले टाइम पर यहाँ धूप सेकते थे। हाँ, धूप सेकते थे, शाम को इधर सुबह उधर धूप लगता है ना, फिर सर्दी का टाइम फिर इधर बैठते हैं। यहाँ पे घर था,
आत्मा मैं इधर पैदा होगी इसके अंदर। वापिस आओगे? हम ये गांव छोड़ के जाने के लिए कोई अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा मनता है, हमें आँख से आंसू आते हैं यहाँ से गांव छोड़ के जाने के लिए। पिघल रहे हैं, जो नदियां हैं वो मुंह पर ही सूख रही हैं। दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। climate change devastating changes, glacier melting all over the world, global warming rising sea levels, क्योंकि कल को ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो इंडिया भी जितना भी ये भी रिवर बेसिन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी आप देखें ये पीक विंटर है, यहाँ बर्फ बहुत कम है। सदी के अंत होते होते दो तिहाई ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। हमारे ग्लेशियर सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से नहीं पिघल रहे हैं, मगर वही अकेला नहीं है। उसके लिए तो हम लंदन और न्यूयॉर्क को दोष देंगे, मगर यहीं पे जो मानवीय गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, उसका क्या? ...1974 से लद्दाख को टूरिज्म के लिए खोल दिया, और शुरू में यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत कम आते थे, ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते थे, और ज़्यादातर यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म करते थे। पहले जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग वगैरह, फिर बाद में आहिस्ता डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आने लगे। मगर फिर ये फिल्म थ्री इडियट्स के बाद ये एकदम से फट सा गया। तो जहाँ 20,000 था मुझे याद है सन 2000 में, वो आज 6,00,000 है। ये 6,00,000 पांच महीने में कॉन्सेंट्रेटेड आते हैं, और वो भी 5-6 किलोमीटर स्क्वायर के ले शहर में। करोड़ लोग दुनिया के हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं, यानी कि चौथी आबादी दुनिया की और भारत की लगभग आधी। जैसा मैं कहता रहता हूं कि यहां के लोग 5 लीटर प्रतिदिन पे गुजारा करना जानते हैं, बाहर तो 250 से 500 लीटर लोग दिन में प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। जो ग्लेशियर्स हाईवे के पास हैं वो बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। अब ये टैक्सी से डीजल
गाड़ियों से इतना हो रहा है तो कल को माइनिंग हो, ये सब हो, तो ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये ग्लेशियर्स ख़त्म सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं होंगे, ये अब तो पिघलते जा रहे हैं मगर पहले भी काफ़ी नहीं थे यहाँ। पानी यहाँ आसमान से तो 4 इंच उतरता है पूरे साल में बर्फ या बारिश से, वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो हमारे पूर्वज सदा ग्लेशियर्स पर ही निर्भर करते थे। बहुत पुराने जमाने में हमारे पूर्वज कृत्रिम मैन मेड ग्लेशियर्स बनाते थे। लद्दाख के एक बहुत ही वृद्ध और मशहूर इंजीनियर हैं छेवांग नॉरफेल जी, उन्होंने थोड़ा और साइंटिफिक कृत्रिम ग्लेशियर्स बनाने शुरू किए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। वो फैले हुए ग्लेशियर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वो धूप की गर्मी में पिघल जाते हैं पहले ही, ज़रूरत से पहले ही। तो इसलिए उन्हें या तो पहाड़ के पीछे छाँव में बनाना पड़ता है या ऐसी ऊँचाई पर ले जाना पड़ता है जहाँ वो जल्दी ना पिघले। अब ये सब हर जगह होते नहीं हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्कूल में एक ऐसा कृत्रिम ग्लेशियर बनाया जो कि कहीं भी बना सकें आप। बिना किसी मशीन के एक फव्वारा चलता है, तो ये आइस स्तूपा के नाम से आपने सुना होगा। यहाँ आने का मकसद हमारा है आइस स्तूपा देखना, तो यहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके आगे करीब हमको 1.5 घंटे का ट्रैक करना है। मेरे बर्फ में पांव धंस जा रहे हैं। ये क्या पैर स्लिप कर रहे हैं, इसका क्या तोड़ है, हालत खराब हो रही है। सौरभ की सांस फूल रही थी तो उन्होंने बैग एक्सचेंज किया है जो यहाँ के लोकल लाइट है उनसे। रानी जी का मैक्रो लेंस यूज करके ना इनकी मूछें दिखाएंगे सिर्फ बर्फ जमी हुई। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस पर अभी हम चल रहे हैं जो पूरी बर्फ बन चुकी है, नदी है असल में, और अभी हम उस नदी के ऊपर चल रहे हैं जा सकते हैं ठंड की वजह से, ये बर्फ बन चुकी है। कह रहे हैं कि इससे आगे मत जाइएगा, ये टूट सकती है और नीचे पानी बह रहा है क्योंकि अब इस टेम्परेचर में गलती से किसी को सुसू ना आ जाए। आ रही है। अच्छा भाई पता नहीं कहाँ रह गया, एक तो आवाज मार रहे जवाब ही देते कम से कम। अरे भैया आजा, देखिए पार्टिकल पार्टिकल्स की तरह अलग हो जाता है, अलग हो जाता है यहाँ का। ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है अब, और क्योंकि अब मैं मीनार का जाएगा तो एक हाथ से एक हाथ से करेंगे तो बंद करो तो ये पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन अच्छा है, वहाँ नमी ठीक है, यहाँ बिल्कुल सूखी है। अब थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी जागी है, कारण ये है आइस स्तूपा दिखने लगा है। वो देखिए, वो देखिए आपको बिल्कुल सेंटर में जो वाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे ही आइस स्तूपा कहते हैं। फिर वहां से बड़ा पास लग रहा था स्तूपा, अभी इतना दूर है यार। पीछे मेरे दोनों साथी, एक साथी और दूसरा वो जो छोटा सा दिख रहा है बिंदी के बराबर, वो लगभग पहुंच गए हैं। ये कोनिकल जो आकार है, ये शेप है, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि धूप को उतना सरफेस एरिया
नहीं मिलता है कि वो पिघला सके, और इसका वॉल्यूम बहुत होता है। कॉन्स और स्फीयर्स ऐसे आकार हैं जिसमें सरफेस एरिया बहुत कम से कम होता है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। तो ये उसी फॉर्मूले पे गर्मियों तक नहीं पिघलते हैं। आप सर्दियों में अगर इस आकार में जमा लें बिना बिजली के, तो वो जून के महीने, जुलाई के महीने तक धीरे धीरे पिघलते हुए अपने पानी को देता है। जब शुरू करते हैं पहले से, तो हम एक वैली में एक चश्मे का पानी देखते हैं पहले। हमारा जो चश्मा है जो ऊपर है सर, आधा किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ उस चश्मे से पानी से हम बहुत नीचे जहाँ पे ग्लेशियर बनाने हैं वहाँ पे एक पाइप के थ्रू पानी लाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर हम यहाँ पे HDPE पाइप यूज़ करते हैं क्योंकि वो विंटर में चलता है, नहीं तो अगर आयरन वाला यूज़ करेगा तो एक बार फ्रीज हो गया तो वो टूट जाते हैं। तो हम HDPE पाइप के जहाँ साइड पे लाया, उसके बाद हम वहाँ पे एक डोम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कंट्रोल रूम भी बोल सकते हैं, एक टनल भी बनाते हैं, उसके थ्रू पाइप जाएगा। फिर उसमें एक हम ट्राइपॉड लगाते हैं जो कि एक GI पाइप जाएगा अंदर से, जो वर्टिकल जाना होगा उसको होल्ड करेगा। तो जो GI पाइप, जो आयरन का पाइप है, उसके ऊपर हम एक फाउंटेन लगाते हैं या स्प्रिंकलर लगाते हैं जो पानी स्प्रे करे। प्रेशर डिफरेंस जो पानी का होता है, जैसा कहते हैं पानी हमेशा अपना सतह बराबर रखती है, तो वो बराबर रखने के लिए पाइप में प्रेशर होता है, उससे फवारा फूटता है। जब फवारा फूटता है -20 के तापमान में, तो वो पानी आधे आसमान में ही जमना शुरू हो जाता है और नीचे एक कोनिकल आकार ले लेता है। ये जो स्तूपा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये बन रहा है, हमारा यूथ वालों ने इनिशिएटिव लेकर ये एक अच्छा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन्होंने, तो हमें उम्मीद है कि इसे थोड़ा सा हमारा जो पानी का स्केर्सिटी होगा वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। पहले बर्फ बहुत होता था सर, यहाँ पर बहुत होता था, मतलब 1-2 फुट कम से कम होता था, पहाड़ में तो कम से कम 4-5 फुट होता होगा, और ग्लेशियर का अमाउंट जो है ना, दैट यूज टू बी वेरी हाई एंड वेरी बिग, आजकल है ही नहीं। साठ 65 फीट का ये बन चुका है इस वक्त, और जो ऊपर सबसे टॉप जो पाइप है वो पाइप छोटी पड़ गई, उस पाइप को कनेक्ट करके, इस वाली पाइप से कनेक्ट करके पानी और ऊपर से छोड़ा जाएगा ताकि स्तूपा और बड़ा बन सके। थोड़ा काम तो थोड़ा कठिन तो है सर, हम तो सुबह आते हैं सर, 8 बजे घर से निकलते हैं काम के लिए, और यहाँ दिन को पूरा काम करते हैं फिर शाम को। अब रात में मान लीजिए अगर पानी जाम हो गया है, पानी स्प्रिंकलर से नहीं निकल रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है, क्योंकि आप लोग तो नीचे रहते हैं इतना। अभी जो हम अभी रुकने की कोशिश है सर, रात को यहाँ जो टेंट लगा रखा है उधर रुकने के लिए। ये अंदर इन्होंने व्यवस्था की हुई है टेंट को गर्म रखने की। पानी लाने गए, अभी पानी आएगा, चाय बनाएंगे गरम गरम। गैस की व्यवस्था भी है यहाँ पर, शिफ्ट में एक नया एडिशन ये आ गया है कि अभी तक तो खाली 8 बजे से 4 बजे तक रुकते थे, चेक करते थे सारी चीज़ें, अब रात के लिए भी टेंट की व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि अब सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो ऊपर जो स्प्रिंकल है वो जम जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। लद्दाख के लोग इस असमंजस में हैं कि कैसे वो सरकार जिसने उनका 70 साल पुराना मांग यूनियन टेरिटरी का पूरा कर लिया हो, और उसके बाद संरक्षण का पूरा आश्वासन भी दिया हो, और फिर मुंह फेर ले, इससे उनका सरकार पर विश्वास उठता सा जा रहा है।
लद्दाख को ये दुख हमेशा था कि जम्मू कश्मीर का जो बाकी रीजन है उसकी तुलना में उसके साथ अन्याय होता है। उनकी बहुत डिमांड थी कि हमें यूटी बनाया जाए। उस डिमांड को देखते हुए 1995 के आसपास एक प्रोविज़न हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाई गई और उसके तहत दोनों ज़िलों की एक एक अलग अलग काउंसिल बने जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस काउंसिल का काम होता है, और वो क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं 26 लोग तो वो जनता ही उनको भेजती है, वो काउंसिल मिलकर वहाँ की डेवलपमेंट की नीतियों को तय करती है, ये उसका काम है। अब ऐसी एक काउंसिल लेह में है, ऐसी एक काउंसिल कारगिल में भी है। हमारे पास जो है हेल्थ हो गया, आपका PWD हो गया, रूरल हो गया, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट जो है काउंसिल के कंट्रोल में आते हैं जी। कल तक जो लगता था कि अविश्वसनीय है, पता नहीं कोई कर पाएगा भी या नहीं, वो आज मोदी सरकार ने कर दिखाया। अनुच्छेद 370 आज से इतिहास का हिस्सा हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देश का तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है और इसी पताका के नीचे यहाँ जश्न का माहौल है। यूटी हमारे लद्दाख को मिल गया जी, अच्छा लगता है, आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है जी। में जो है हमारा सपना बिल्कुल पूरा हो गया। 5 अगस्त को तो सभी लोग शौक में थे कि हम ये सच्ची में हुआ है क्या, तो इवन मैं तो खुद जो है अपने आप में पिंच कर रहा था कि जेन्युइनली ये कहीं सपना तो नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है सही में। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया विद लेजिस्लेचर, लद्दाख वो यूटी बना जो लेजिस्लेचर के बिना है। शुरू में हमारे लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि ये हमारा एक बहुत पुराना डिमांड था, लेकिन हमारा डिमांड यूटी विथ लेजिस्लेचर था। जैसा पांडिचेरी में है जहाँ यूटी है मगर उनके अपने असेंबली है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs चुने जाते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि अपना विकास का प्रक्रिया संभालते हैं। 2019 से पहले जो है यूनियन टेरिटरी के एक मूवमेंट के साथ हम लोग भी जुड़ा हुआ था और ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो है कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं आया कि हम किस तरह का यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं। एजिटेशन हो रहा था तो लोगों ने बैनर उठाए हुए यूटी विद लेजिस्लेचर करके, तो ये कहने की बात है उनको ऊपर से प्रेशर है, वो रूलिंग पार्टी के है। जब वो यूटी मांग करते थे तो यूटी के हाथ पैर थे उनके जहन में, जब जम्मू कश्मीर से अलग होगा यूटी की तरह तो हमें संरक्षण कहाँ से मिलेगा, 370 तो होगा नहीं, यहाँ तो कोई भी कुछ भी उद्योग या ज़मीन ले सकता है। तो उन्हें ये भी मालूम था कि भारत के संविधान में ये 6th शेड्यूल है जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। 6th शेड्यूल है जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। 6th शेड्यूल मौलानो दरअसल जब संविधान बना तो उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे भारत की मुख्य भूमि से जोड़ें। विशेष रूप से दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के जो बेल्ट थी वहाँ, एक तो ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा उतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव बाकी भारत के साथ उस समय तक नहीं था, हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो एक मोटा मोटा खाका ये बना कि जो ट्राइबल बेल्ट असम की है उसको एक अलग तरीके से संविधान में रखें और जो बाकी देश में ट्राइबल बेल्ट है उनको अलग तरीके से रखें। तो संविधान में एक पार्ट 10 है, भाग 10, उसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244। उसके दो पार्ट्स किए गए, 244(1) और 2। 244(1) अप्लाई होता था असम छोड़ के बाकी पूरे देश पे, उसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, 5th शेड्यूल, उससे जो लिंक्ड है। और जो 244(2) था उसमें केवल असम के प्रावधान थे, तो वो 6ठी अनुसूची है। फिर जब असम के टुकड़े हुए तो अब जो संविधान में लिखा हुआ है, असम लिखा है, मिजोरम लिखा है, मेघालय लिखा है और त्रिपुरा लिखा है। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ जहाँ
एक बड़ा इलाका होगा एक ट्राइब का, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट के लायक साइज नहीं है, थोड़ा छोटा एरिया है, उसको हम ट्राइबल रीजन बना देंगे। तो ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट छठी अनुसूची में, और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया वहाँ पर, अब उस ज़िले में हालांकि वो राज्य का हिस्सा है, राज्य की सरकार काम करेगी अपना, पर राज्य की सरकार उस ज़िले के हिस्से में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों मामलों में कुछ शक्तियाँ उस काउंसिल को दे देगी, वो काउंसिल अपने तरीके से अपना ज़िला चलाएगी। ऑटोनोमस काउंसिल्स के पास बहुत अधिकार होते हैं, वो अपने तरह से उस इलाके को प्रबंधन कर सकते हैं, रोज़गार उसी हिसाब से कर सकते हैं, जैसे जंगल हो, पर्वत हो, तो कोई भी नहीं आ सकते हैं परिषद के स्वीकृति के बिना। इस तरह से बहुत प्रावधान है जिससे कि वहाँ के लोग अपने इलाके को खुद से संभाल पाएं। 370 को जब लद्दाख के लोग नहीं पसंद करते थे, तो वो इसलिए था कि इसके वजह से लद्दाख को यूटी नहीं मिल रहा था, मगर फ़ायदा ये था कि इससे वो संरक्षण मिल रहा था कि लद्दाख के लोग लद्दाख को खुद संभाल सकें, ये खुलेआम बिक ना जाए। अब लद्दाख के कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बाहर के उद्योगपति हैं वो आएंगे तो हमें परेशान कर देंगे, फिर ये भी है कि सांस्कृतिक आक्रमण हम पर ना हो जाए क्योंकि हम तो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं। पर मेरे ख्याल से छठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। Actually worse than house arrest. Prominent Ladakh activist, innovator and Magsaysay award winner Sonam Wangchuk had to sit on a 5-day fast. Good morning world. Good morning world. Namaskar, salam. Man who inspired the film Three Idiots. Protest against environment. All is not well in Ladakh. Capturing the headline. 5-day climate fast. What is driving you to do this? Inclusion of Ladakh. Climate activists now to a political activist. Harmful industrial activity. What is happening to our glaciers in Ladakh? इस अनशन का मकसद ये है कि लद्दाख और हिमालय में जो संवेदनशील जलवायु है उसका संरक्षण हो, और ख़ासकर हम लद्दाख में हैं तो लद्दाख को अब यूटी बनने के बाद इसका जो संरक्षण पहले 370 आर्टिकल से मिलता था अब वो नहीं है, यहाँ कोई भी उद्योग खनन कर सकते हैं। नहीं, ये मांग बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरनमेंट का संरक्षण करना, हमने जोशी मठ को भी हाल ही में देखा है, तो हम उससे लेके केयरफुल होना चाहिए। ग्लेशियर्स हमारे रिसीड हो रहे हैं, यहाँ पे गांव के गांव माइग्रेशन हो रहा है, और ये ग्लेशियर्स खत्म सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं होंगे, पूरा भारत का आधी आबादी इस पर निर्भर करता है। जिस एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए मैं 30 साल से काम करता आया हूँ, अब वो पल भर में बिगड़ जाए तो वो बहुत चिंता की विषय थी। कुछ लोग आनशान का ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे और भी जो है इश्यूज को जो है एक्सकलेट करने की कोशिश कर रहा है। सिख शेड्यूल से ये फ़ायदा है कि हमारा लैंड जॉब एनवायरनमेंट उसका मैनेजमेंट हम खुद अपने मर्जी से कर सकते हैं। सिख शेड्यूल देंगे तो जनता से पूछ कर ही काम होगा। तो आज यहाँ क्यों आए हैं? अंजू साहब के सपोर्ट के लिए आया हूँ। किस तरह के सपोर्ट? सिख शेड्यूल। किस चीज के लिए अनशन कर रहे हैं? ये जॉब, ये क्लाइमेट, ये ग्लेशियर, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ये एनवायरनमेंट, कल्चर और आइडेंटिटी के लिए। पर सवाल ये है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 30 में से 26 लोग इलेक्टेड हैं, वो 26 क्षेत्र बटे हुए हैं, वहाँ इलेक्शन ही होता है। पर्वतीय काउंसिल को ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिस पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप ना कर पाएं, बदल ना पाएं। लद्दाख के जो हिल काउंसिल हैं उनको पूरा हक ज़मीन का था जम्मू कश्मीर में, मगर अब उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है कि ज़मीन कोई भी दे सकते हैं यूटी में।
काउंसिल के जो है सेटअप के ऊपर कोई मेजर कोई चेंजेस कोई नहीं हुआ है। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी है और शेड्यूल 6 में आने के लिए 50% की जरूरत है। ये सही है कि लद्दाख में जनजातियों की आबादी 97% के आसपास है, लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियाँ या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, वो उतनी कटी हुई नहीं है बाकी समाज से। कुल 10 जिले 6 शेड्यूल में इस समय हैं जिनको ऐसे पावर्स मिली हुई हैं। त्रिपुरा में एक है, बाकी तीनों में 3-3 जिले हैं। उन सब में दिक्कत ये है कि वो बाहर के लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, जुड़ाव नहीं चाहते हैं। मैसिव जो मास टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, वो लद्दाख को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म बुरा है, इसे मैनेज करें। 5 महीने की जगह 12 महीने का करें, लेह सिटी की जगह पूरे लद्दाख में करें। लद्दाख एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इकोनॉमी टिकी है टूरिज्म पे मोटे तौर पर, तो इसका मतलब वो बाकी समाज से बहुत दूर हैं ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ की डिमांड असम की डिमांड से, और असम का मतलब मुख्य गुवाहाटी वाला असम नहीं, असम का मतलब जो ट्राइबल बेल्ट की बात हम कर रहे हैं, उसके जैसी डिमांड्स नहीं हो सकती। शुरू में हमारे MP साहब ने हमें दिल्ली से ये खबर लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 6 शेड्यूल देने के लिए उत्सुक है। UT बनने के बाद हमारे कानून मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय ने भी, जनजातीय मंत्रालय ने भी सिफारिश की थी, मगर फिर उसके बाद ये हुआ नहीं। हमने ये नहीं कहा था कि ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ही है, हमने कहा था ये चर्चा करने की बात है। 2020 में जब इलेक्शन होने थे हिल काउंसिल के, जिनको जीतना बहुत ज़रूरी था, तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम इसका बायकॉट करेंगे। उसका ये असर हुआ कि होम मिनिस्ट्री ने हम 3 लोगों को दिल्ली बुलाया, हमने अपने डिमांड्स को उनके सामने रखा। अमित शाह साहब बहुत पॉजिटिव लग रहे थे और हमें बायकॉट को हटाने का रिक्वेस्ट किया उन्होंने। जब HM साहब ने बुलाया था वहाँ पे मैं भी था, वहाँ पे हमारे सभी स्टेक होल्डर्स थे। मैं आई स्वेयर ऑफ गॉड कह रहा हूँ, किसी ने भी जो है वहाँ पे माननीय होम मिनिस्टर के सामने 6 शेड्यूल का डिमांड नहीं रखा। अरे उनसे पूछिए, शेड्यूल 6 आपने मैनिफेस्टो में पहले बूंद कैसे बनाया था? कोई भी अगर बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें प्री कंडीशंस नहीं होते हैं। और कोई भी कहे मैं समझूंगा, मगर वो कहें जो इस बुनियाद पर ही जीत के आए हैं तो नहीं समझूंगा। लोकतंत्र यहाँ रहा नहीं, पहले 4 MLAs होते थे, 2 MLC होते थे, अब कुछ भी नहीं है, 0। मेरे ख्याल से लद्दाख में पंचायती राज का नया सिस्टम अगर हम अप्लाई कर देते हैं, इलेक्शंस करवा देते हैं, तो एक तो जनता का रिप्रेजेंटेशन ठीक से आ जाना चाहिए, दूसरा दोनों काउंसिल्स में इलेक्शंस होते हैं, अभी भी होते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम लोग थे तो वहाँ पे हमें कैपिटल बजट तकरीबन 50 से 60 करोड़ के आसपास होता था। UT बनने के बाद जो है इसी काउंसिल का जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारा जो बजट एलोकेशन है वो 300 करोड़ हुआ है। यूटी का बजट कोई 6,000 करोड़ का है और जो जनता के चुने हुए परिषद हैं उनके पास 500 करोड़ मुश्किल से मिलते हैं। जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है वहाँ ये शिकायत रहती है। लोगों की भागीदारी का तो कोई तरीका ही नहीं है। जो काम विधानसभा को करने हैं वो काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स में से आप मान के चले कि कम से कम 2/3 बाहर से आते हैं, तो जनता को ये महसूस हो सकता है, और ब्यूरोक्रेट्स की पावर सच में ज़्यादा होती भी है। बहुत कुछ बोलते हैं कि ये कुछ हुआ ये कुछ हो पाई, कि यहाँ पे ग्राउंड फैक्ट यही है कि आज तक कोई अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है, और गैजेटेड का तो अभी तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी वगैरह भी कुछ भी फ्रेम नहीं हुआ है सर। मैंने गवर्नर साहब को एड्रेस करके कहा कि अगर आप युवा पीढ़ी को बेरोजगार रखें 12,000 और फिर उसके बाद उनको बात बात पे जेल डाल दें, बात बात पे आप FIR कर दें,
ऐसे ही हालत में तो जन्म होता है एलियनेशन, यहाँ तक कि मिलिटेंसी की भी आप बीज बोएं। इस तरह के जो लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट में और इंडेंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सोचा था ये यूटी जम्मू कश्मीर से तो बहुत बेहतर होगा। आप सोचिए किसी स्टेट के लिए 10 दिन या 2 महीने गवर्नर रूल लगे तो बहुत बड़ी बात होती है। लद्दाख तो परमानेंट गवर्नर्स रूल में है। 3 लाख की आबादी में 2 जिले हैं, अगर 1.5 लाख की आबादी मान लें 26 लोग उसमें इलेक्ट हो रहे हैं, तो 3 लाख की आबादी में 52 इलेक्टेड लोगों का होना, इसका मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन तो है। क्या ये लद्दाख के देशभक्ति का सदा है कि उन्हें एक शख्सियत राज करेगी? शायद ऐसे औद्योगिक शक्तियां हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जो कि लद्दाख को संरक्षित नहीं देखना चाहते। झूले तेने फूने जून जितना जू तेने पुमो दोम चौगत। ये एक सांकेतिक अनशन है, यानी कि अगला फिर ना हो तो मैं 5 के बजाय 10 का करूँगा, उसके बाद 15 का करूँगा, उसके बाद 20 का करूँगा। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने रिपीटेडली कहा है लद्दाख को हमने पूरा स्ट्रेंथन करना है, लद्दाख को जो भी अप्रोप्रिएट सेफगार्ड होगा वो लद्दाख को दिया जाएगा। इसीलिए जो है अभी हाल ही में जो है हाई एम्पावर्ड कमेटी भी इस्टेब्लिश किया है। 2023 और 24 में हम अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। केवल 1.5 लाख वोटर्स की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख की है, कुल आबादी 3 लाख के आसपास है। इतनी आबादी पर अब राज्य तो डिमांड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। दिक्कत अगर है तो केवल ये कि काउंसिल के पास पावर्स शायद थोड़ी कम है, वो बढ़ानी चाहिए। और पंचायती राज जिस दिन ठीक से आ गया और हर व्यक्ति को ये मौका मिला कि मेरे पड़ोस का एक व्यक्ति वहाँ की म्यूनिसपैलिटी में है या पंचायत में है, और पंचायत लेवल के सारे काम कम से कम ठीक से हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिसेंट काफ़ी कम हो जाएगा। सरकार को जल्दी से वहाँ पर जो पंचायती राज का सिस्टम 1992 में आया था, जो 73rd अमेंडमेंट से आया था, उसे अप्लाई करके इलेक्शंस करवाने चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। पानी मिलेगा ऐसे डिप्रिकेशन का पानी देगा, गवर्नमेंट मदद करेगा तो हम इधर बैठने के लिए बहुत खुशी है। नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा सर, कुछ है नहीं तो छोड़ना पड़ेगा फिर, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, बच्चे का स्कूल नहीं है। लेकिन पहाड़ों का एक रूल है, जो लगता है पास है वो उतनी पास होता नहीं है।